मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी अभी बेरोजगार हैं, इनके पास रोजगार का मात्र एक साधन है कि किसी भी तरीके से शराब के नाम पर जनता को उलझाए रखो। हेलीकॉप्टर से घूमिएगा, हेलीकॉप्टर से भट्टी खोजते हुए चल रहे हैं आप, एक भी सफलता आपको मिला है? आज बिहार के जेलों में 4 लाख लोग बंद हैं। देखिए, बगल में झारखंड हो, बंगाल हो या उत्तर प्रदेश हो, यही शराब पीकर लोग निश्चिंत रहते हैं, और बिहार में वही शराब पीकर लोग टेंशन में रहते हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी अब गड़बड़ा गए हैं, उलझुल से फैसले लेते हैं। लगातार आप देख रहे होंगे, कभी शिक्षकों को लगा देते हैं, अब शिक्षक से अब खिचड़ी बनवाए, शौचालय रास्ता पे कौन कर रहा है फोटो खींच के लाइए, शराब सिंडिकेट का बताइए, अब हेलीकॉप्टर बीच में ला दिए। हेलीकॉप्टर का फ्यूल पता है ना कि कितना महंगा होता है, और ऊपर से क्या आपको दिखेगा? आप शराब पीजिए, आपको हम नहीं पकड़ेंगे, आपको सोर्स बताना होगा। इसमें जब सोर्स शराब सिंडिकेट के बारे में वो बताएंगे तो उनकी हत्या भी हो सकती है। कोई बिहार से बाहर से ला रहा है, हरियाणा से लाएगा शराब, आप पकड़िएगा तो बताएगा हरियाणा, तो जाके वहां हरियाणा में छापा मारिएगा। बिहार में कैसे आया ये ना बताइए आप, बताना सरकार को चाहिए, वहां यह जनता से पूछ रही है। नमस्कार, मेरा नाम पंकज है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कल से जब मद्य निषेध विभाग, जो सरकार के एक हिस्सा है, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी कि अब शराब पीने वाला पकड़ा नहीं जाएगा। जो अगर शराब पीने वाला पकड़ा जाता है, अगर उसका वो पता बता देता है कि वो कहाँ से शराब लिया है, तब उसको छोड़ दिया जाएगा। इस पर राजनीतिक गरमाई हुई है। हमारे साथ में है LJPR, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता चंदन सिंह। आप लोग बहुत हल्ला कर रहे थे कि छोटे छोटे लोग जेल जा रहे हैं, बड़े लोगों पर कार्रवाई नहीं हो रही, अब तो आप लोग खुश होंगे? देखिए, हम लोग तो शुरू से कह रहे हैं कि सरकार पहले शिक्षकों को लगाई शराब सिंडिकेट खोजने के लिए, फिर उसके बाद हेलीकॉप्टर उड़ाई, ड्रोन उड़ाई, अब सरकार देख रही है कि उसका जो यह महत्वाकांक्षी योजना है शराबबंदी, यह हर स्तर पे और हर जगह फेल हो रहा है, अब कोई सुन नहीं रहा है। तो इनके अधिकारियों के द्वारा देखिए, एक अजीब सा यह फैसला है कि आप शराब पीजिए, आपको हम नहीं पकड़ेंगे, आपको सोर्स बताना होगा। इसमें जब सोर्स शराब सिंडिकेट के बारे में वो बताएंगे तो उनकी हत्या भी हो सकती है। अब मान लीजिए कोई बिहार से कैसे हो जाएगा बता देगा तो हत्या, सुन लीजिए, अब कोई बिहार से बाहर से ला रहा है, हरियाणा से लाएगा शराब, आप पकड़िएगा तो बताएगा हरियाणा, तो जाके वहां हरियाणा में छापा मारिएगा। बिहार में कैसे आया ये ना बताइए आप, बताना सरकार को चाहिए, वहां यह जनता से पूछ रही है कि आप बताइए कहां से आप पिए। अरे, तो बिहार में शराब अगर मिल रहा है और इसको कोई पी रहा है तो ये तो आपकी फेलियर है ना, कैसे आया बिहार में, ये तो सरकार को बताना चाहिए, इनके प्रशासन के लोगों को बताना चाहिए। तो आप हेलीकॉप्टर से घूमिएगा, हेलीकॉप्टर से भट्टी खोजते हुए चल रहे हैं आप, एक भी सफलता आपको मिला है? सफलता तो ये मिला, हाल फिलहाल का रिपोर्ट बताता है कि पटना राजधानी जो है टॉप पे है शराब पकड़ने में, कार्रवाई करने में, कार्रवाई करने में है। तो सोचिए कि राजधानी तक अगर शराब पहुंच रहा है तो शराब सरकार की विफलता है ना। सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, आज के समय में पूरे बिहार में अपराध को छोड़कर, दलित उत्पीड़न को छोड़कर, भ्रष्टाचार को छोड़कर, मात्र एक शराब पर इनका जो है पूरा काम टिका हुआ है। मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी अभी बेरोजगार हैं, इनके पास रोजगार का मात्र एक साधन है कि किसी भी तरीके से शराब के नाम पर जनता को उलझाए रखो। इतना अपराध बिहार में बढ़ा हुआ है, भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, और माननीय मुख्यमंत्री जी कभी PM मटेरियल, कभी प्रेसिडेंट मटेरियल अपने आप को कहलाने में इनको फक्र महसूस होता है, और अभी इनके विभाग बोल रहे हैं कि आप पकड़वाइए शिक्षकों को जो काम लगवाए थे, अब क्या हुआ उसका? अरे सर, आप लोग ही कहते हैं कि बड़े व्यापारियों पर कार्रवाई करें, अब बड़े व्यापारियों पर कार्रवाई करने की बात हो रही है तब भी उस पर भी आप लोग राजनीति कर रहे हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फटकार बिहार सरकार को बराबर मिलता है, हाई कोर्ट का फटकार सरकार को बराबर मिलता है, इनको फटकारते फटकारते अब सुप्रीम कोर्ट भी चुप हो गई है। शराबबंदी पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना कि आपने क्या सोचकर शराबबंदी किया, या शराबबंदी के बाद का आपका क्या सोच है? आज बिहार के जेलों में 4 लाख लोग बंद हैं,
देखिए बगल में झारखंड हो, बंगाल हो या उत्तर प्रदेश हो, यही शराब पीकर लोग निश्चिंत रहते हैं और बिहार में वही शराब पीकर लोग टेंशन में रहते हैं। अब वो टेंशन एक और दे दिए हैं जनता को कि आप ही को बताना है, नहीं तो अब जेल में इनका, देखिए वास्तविक बात यह है कि जेल में भी अब जगह नहीं है। अरे ये बताइए, मुख्यमंत्री ने कहा है, दो दिन पहले कहे हैं बीएमपी में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, कि जो शराबबंदी को फेलुअर बताता है वो सबसे ज्यादा खराब आदमी है, वकालत जो करता है शराबबंदी का। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी अब गड़बड़ा गए हैं, उल जलूल से फैसले लेते हैं लगातार, आप देख रहे होंगे, कभी शिक्षकों को लगा देते हैं, अब शिक्षक से अब खिचड़ी बनवाए, शौचालय रास्ता पे कौन कर रहा है फोटो खींच के लाइए, शराब सिंडिकेट का बताइए, अब हेलीकॉप्टर बीच में ला दिए, हेलीकॉप्टर का फ्यूल पता है ना कि कितना महंगा होता है, और ऊपर से क्या आपको दिखेगा, कभी आप जाइए हेलीकॉप्टर पर तब पता चलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो अब सेचुरेशन है वो स्टार्ट है, अब इनका जो ग्रोथ है बिहार में, और सोच नहीं है कि किस तरीके से अब एक फैसला ले लिए, अपनी बात, अपने अहम, अपने ईगो को किस तरीके से हम साबित करें, मात्र उसमें लगे हुए हैं। आप बताइए 16 साल सत्ता में बैठने के बाद ये समाज सुधार पे निकले हैं, यानी समाज को सुधारने की जरूरत है, तो 16 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया क्या? नीति आयोग की रिपोर्ट पर सुन लीजिए, अभी बिहार विधानसभा में इनके पार्टी के एक नेता ने कहा कि नीति आयोग का जो मानक है उसको बदलने की जरूरत है, विकसित राज्य और विकासशील राज्य पे उनको दिक्कत है, उनके लिए अब जो है ना 1 से लेके 10 तक नहीं पढ़ेंगे, उनको डायरेक्ट 10वां में एडमिशन चाहिए, उनके लिए मापदंड बदल दिया जाए, मतलब कि नीति आयोग की रिपोर्ट पर वो कह रहे हैं कि इसका पैमाना बदल दीजिए, बिहार के लिए अलग मानक रखिए, क्योंकि हम लोग गरीब राज्य हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले 16 साल से बिहार को कम से कम 30 साल पीछे कर दिया है, इसी की तो लड़ाई लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास लड़ रही है। ये बताइए कि मुख्यमंत्री ने फैसला लिया है यूक्रेन विवाद पे, यूक्रेन में बहुत सारे बिहारी छात्र फंसे हुए, उनको अपने खर्चे से ला रहे हैं बिहार, इस पर आप लोग की क्या? कहां से खर्चा पे ला रहे हैं, कहां पे? दिल्ली, मतलब दिल्ली से पटना लेते आए तो अपने खर्च पे लेते आए? जो भी लोग है संभ्रांत परिवार का है, पटना एयरपोर्ट पे उतरने के बाद बिहार सरकार को सीधे प्रणाम करके या मोदी जी का जय करके वो गाड़ी पकड़ के अपने गाड़ी से अपने खर्च से, अब उसमें घोटाला उटाला नहीं होना चाहिए, हम उम्मीद करते हैं राज्य सरकार से, और बराबर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मांग करती है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि बिहार में प्रवासी मंत्रालय का होना अति आवश्यक है। क्यों? इसलिए कि बिहार से लगातार, देखिए यहाँ पर तो आपके जो छात्र हैं अब वह बिहार से बाहर पलायन करके चले जाते हैं, पढ़ते लिखते हैं, बिहार में शैक्षणिक वातावरण और हब आपने बनाया नहीं है, और यहाँ के जो ब्रिलियंट छात्र हैं वो जब देश छोड़कर जाते हैं पढ़ने के लिए, सही आंकड़ा आपके पास नहीं होता है, यहाँ के नौजवान व्यवसाय के तलाश में बिहार से बाहर जाते हैं, और सबसे ज्यादा अब क्या यहाँ पे सृजन करते हैं तो मजदूर भी बिहार से बाहर जाता है, तो आपके पास सही आंकड़ा तो नहीं है? कभी हमारा मजदूर कश्मीर में मारा जाता है, कभी श्रीनगर में मारा जाता है, कभी पंजाब के मुख्यमंत्री हमको भैया कह के संबोधित करते हैं, कभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री वहां पर इशारा करते हैं तो वहां के जो उनके लोग हैं एग्जाम देने से हमको रोकते हैं, तो देश भर में तो हम लोग का तिरस्कार बराबर होता रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा बस इतना आग्रह है, प्रवासी मंत्रालय का आप यहाँ पर एक व्यवस्था लाएं जिससे सभी लोगों का डेटा उपलब्ध हो, कितने लोग आपके बिहार से बाहर पलायन कर गए हैं, या कितने छात्र जो हैं जो बिहार से बाहर दूसरे देश में पढ़ने के लिए गए हैं, अभी भी सही आंकड़ा सरकार के पास नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास नहीं है, और कोई मदद यूक्रेन के संबंध में यह नहीं कर सकते हैं। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने विदेश मंत्री जयशंकर जी से आग्रह किया कि बिहार के जो भी छात्र हैं और देश के तमाम राज्यों के जो छात्र हैं उनका सकुशल वापसी हो। सोशल मीडिया पर लगातार हम लोग वो वीडियो देख रहे हैं कि वो बर्फबारी में भी बॉर्डर पे खड़े हैं, रोमानिया के बॉर्डर पे खड़े हैं, उनको तत्काल लाने की जरूरत है। अच्छा आज बताइए, आज मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है, आप उनको बधाई देंगे? नहीं, हम लोग के भी तरफ से हैप्पी बर्थडे है माननीय मुख्यमंत्री जी को, आज महाशिवरात्रि भी है, बाबा विश्वनाथ उनको
लंबी उम्र उत्तम स्वास्थ्य दें, हम लोग यही कामना करते हैं। तो ये थे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता चंदन सिंह। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।